उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नोटिस भेजा है। कांग्रेस पार्टी के न्याय स्कीम पर सवाल उठाने के लिए ये नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। आयोग ने दो दिन के भीतर राजीव कुमार से जवाब मांगा है। आपको बताएं कि राजीव कुमार ने कहा था कि कांग्रेस का न्याय स्कीम आर्थिक तौर पर संभव नहीं है। चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसा बयान देकर राजीव कुमार ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी अधिकारी का इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा है ये, और इसी बाबत नोटिस भेजा गया। रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। रवि, क्या है पूरी खबर? देखिए, अभी हाल में जो राहुल गांधी ने न्याय स्कीम का ऐलान किया, जिसमें 72,000 रुपए देने के बाद उन्हें सालाना 20% लोगों को, जो गरीब लोग हैं देश के, उस स्कीम पर तुरंत उसके बाद आपको याद हो कि राजीव कुमार जो वाइस चेयरमैन है उनका रिप्लाई आया था कि ऐसा संभव नहीं है और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें ऐसा करना संभव नहीं है। ये बेसिकली जो है चुनावी जुमला है उनका कहना था। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि जब चुनाव के आचार संहिता का ऐलान हो जाता है, आचार संहिता जब लागू हो जाती है, तो वैसे वक्त बाद अधिकारियों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि चुनाव जब ऐलान हो जाता है तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर है। अब घोषणा बीजेपी की तरफ से भी होगी, कांग्रेस की तरफ से भी होगी, तो किसी एक पार्टी के पक्ष में बयान देकर आप कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड को गड़बड़ कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उनको नोटिस देकर ये जवाब मांगा गया है कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया, और उनको दो दिन के अंदर अपना जवाब फाइल करना होगा चुनाव आयोग को, क्योंकि इस तरह की चीजों में चुनाव आयोग मॉनिटरिंग करता है। पूरे देश भर में कोई अधिकारी क्या किसी पार्टी का पक्ष ले रहा है नहीं ले रहा, उस पर कार्रवाई करने का हक भी चुनाव आयोग को है, आपको बताना चाहूंगा। रवि, कोई राजीव की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान आया इसे लेकर? अब इनसे सवाल पूछा गया, जवाब मांगा गया है, उनकी तरफ से कोई सफाई आई है? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है तो चुनाव आयोग को ही रिप्लाई पहले देंगे। उसके बाद पब्लिक में कोई बात कहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग को उनको वो अधिकारी है और अधिकारी के नाते उनको पहले जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। जैसे आचार संहिता लागू हो जाती है तो हर अधिकारी चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, हर अधिकारी को चुनाव आयोग के प्रति लायबल होना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है, ये चुनाव आयोग का मानना है कि इसमें गलती हुई है, और इस गलती पर उनकी सफाई क्या है इसका सबको इंतजार करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा उन्होंने बयान दिया, किसके कहने पे दिया, क्या वाकई बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा ऐसा बयान, या फिर इकोनॉमिकली देश की ऐसी स्थिति है कि उनको पब्लिक में ऐसा बोलना पड़ा, मैसेज देना पड़ा। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम डिटेल्स को हम तक पहुंचाने के लिए रवि।